इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं है, अब टीमों ने आना शुरू किया है. आई एम ऑल फॉर देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हाटएवर बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पॉलिटिकल फ्रंट, बट लाइक आई सेड अदर डे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़रूरी. अगर आपने ये कहना था एज अ प्रेजिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम अज़ कम हमारे चेयरमैन को फ़ोन करते, एक मीटिंग बिठाते एशियन काउंसिल की, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती. पाकिस्तान चेयरमैन रमीज़ क्या कहता, बाकी बांग्लादेश बोर्ड का, श्रीलंका बोर्ड का, एंड देन यू मेक डिसीजन. यू कॉन्ट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवल, जबकि अवार्ड किया है आप लोगों ने, पूरी काउंसिल ने अवार्ड किया ना पाकिस्तान को एशिया का. सो दैट्स जस्ट नॉट फेयर. बिल्कुल ऐसी है. बकार, योर थॉट्स ऑन दिस? या आई डोंट थिंक कि ये क्रिकेट बोर्ड का फैसला है. यू नो, उस दिन मिसबा ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि ये, दिस इज़ नॉट क्रिकेट बोर्ड, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप. और उनकी बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इन पाकिस्तान टूर नहीं करना. और स्पेशली क्रिकेट क्योंकि आंखों में आती है, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो दे वॉन्ट टू डैमेज पाकिस्तान. यू नो, सिंपल इज़ दैट. तो आई डोंट थिंक इट्स अ क्रिकेट बोर्ड. पाकिस्तान शुड टेक स्टैंड, जो आई थिंक पाकिस्तान हैव डन वेल. पीसीबी, दैट्स अ गुड स्टेटमेंट कि जी नो, हमें कुछ इल्म नहीं है और वी विल टेक एक्शन, वी विल से व्हाटएवर वी नीड टू डू. एंड पाकिस्तान क्रिकेट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड वी गॉट टू मेक श्योर. क्रिकेट के अलावा वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर के वी लुक आफ्टर आर डिग्निटी, रिस्पेक्ट, because that is also very very important. That's more very important than playing cricket with them. So agle dinon mein dekhenge ki aur bhi is pe charcha bahas hogi. So I feel ki ye jo statement unki aayi hai ya unki taraf se aayi hai, it's not from the cricket board, it's coming from the top. Samir ji, Shweb, mere khayal mein jahan pe bhi hurdles hain, I have no idea. Jaise Waseem bhai ne kaha, hum cricketers hain, athletes hain, I have no idea ki kahan pe hurdles hain. But जैसे एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा, अगर ये स्टेप लिया जाता है, इंडियन टीम यहाँ पे आती है और सेम साल में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में है, और उस पर अगर पाकिस्तान टीम जाती है तो बहुत सारी बर्फ़ पिघल सकती है. इसको फर्स्ट स्टेप ही लेके मेरे ख्याल में इंडियन टीम को यहाँ पे आना चाहिए और पाकिस्तान टीम को 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ जाना चाहिए. मिसबा, योर थॉट्स? बिल्कुल, मेरे ख्याल में राइट स्टैंड है. कब तक आप इस तरह करते रहेंगे कि जो वो कहेंगे वो आप कर लें? आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर द क्रिकेट. इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बड़ी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और आप बिल्कुल ही वन साइडेड अगर डिसीजंस करेंगे तो देन आई थिंक इवेंचुअली वो जो चार्म है क्रिकेट का, उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. आई थिंक थोड़ा सा उससे निकल के पॉलिटिक्स से, बाकी अगर आपकी सारी स्पोर्ट्स की टीमें आती हैं, प्लेयर्स आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो फिर क्रिकेट सिर्फ क्यों आप उसको क्यों आपने अलग रखा हुआ? तो मेरे ख़्याल में सोचना चाहिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए. स्पोर्ट्स है ही ऐसी चीज़, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम किसको कहते हैं, कि भाई इसको बाकी मसलों से अलग करके जितने भी डिफरेंसेस हैं, ऑन द फील्ड यू गो देयर, बेसिकली आप एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को, लोग उसको एंजॉय करते हैं, उस चीज़ को, उनकी जो जिसको कहते हैं प्रेशर्स होते हैं उनको हटा के एक ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म की आपकी एंजॉयमेंट है. तो मेरे ख्याल में इसको पॉलिटिक्स से और बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग करें. आई थिंक देयर यू हैव इट, यू हर्ड इट फ्रॉम द लेजेंड्स देमसेल्व्स, द आइकॉन्स ऑफ द गेम, एंड आई थिंक वी leave it to that. Pakistan Cricket Board, well done on that response, and we hope that we would get a favorable and a reasonable response from the other side.